के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप गैस कनेक्शन में अपना मोबाइल नंबर किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर आपके गैस कनेक्शन में पहले से लिंक है और बुक हो गया है तो आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिलन टेक पर। गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करेंगे। आपको टाइप करना होगा माई एल पी जी। टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो प्रश्न लेगा, आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आप देखते हैं यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, ये आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रश्न लेगा, आपको आगे ले आएगा और आप देखते हैं आपके सामने माई एल पी जी की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, हमें अपने गैस कनेक्शन में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आप देखते हैं यहाँ पर तीन सिलेंडर आ रहे हैं। पहला आ रहा है भारत गैस का, दूसरा आ रहा है एचपी का और तीसरा आ रहा है इंडियन का। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी गैस कनेक्शन में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। या मैं आपको जो भी प्रश्न दिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एचपी के लिए है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एचपी का सिलेंडर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रश्न लेगा और ये आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फ्रेंड्स, गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होगी। केवाईसी करने के लिए आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है एलपीजी सर्विस, देखते हैं यहाँ पर केवाईसी का आइकन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा और ये आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है अपडेट ऑफ रजिस्टर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप तीन तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि यदि आप पहले ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो उसके लिए आपके पास एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि आपके गैस कनेक्शन में पहले से कोई मोबाइल नंबर लिंक हो। और थर्ड ऑप्शन आ रहा है एलपीजी आईडी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके गैस कनेक्शन का एलपीजी आईडी क्या है। तो यहाँ मैं आपको प्रोसेस सेकंड ऑप्शन का दिखाऊंगा, तो उसमें आपको कुछ जानकारी फिल करनी होगी। इसमें आप देखते हैं पहला ऑप्शन आ रहा है स्टेट, आपकी जो भी स्टेट होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपकी सारी स्टेट होंगी। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं यहाँ आ रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपके स्टेट की सारी डिस्ट्रिक्ट होंगी। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है एचपी गैस डिस्ट्रीब्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे यहाँ पर आपको शो होंगे। आपका जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है कंज्यूमर नंबर, जो भी आपकी ग्राहक संख्या होगी आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी कैप्चा आ रहा है आप यहाँ पर फिल करेंगे और आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिल करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। जिसके भी नाम से आपका गैस कनेक्शन होगा उनके आधार नंबर के फोर डिजिट आपको यहाँ पर शो होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी चेकबॉक्स आ रहा है आप इस पर क्लिक करके कंसर्ट देंगे। कंसर्ट देने के बाद जो भी कैप्चा रहा है आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे जनरेट ओटीपी पर। तो फ्रेंड्स, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा उस पर ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। वो ओटीपी आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है इंटर ओटीपी रिसीव्ड ऑन मोबाइल, यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा और ये आपको आगे ले आएगा। आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है इंटर न्यू मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स, जो भी मोबाइल नंबर आप अपने गैस कनेक्शन के साथ लिंक करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पर। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपकी एजेंसी के द्वारा एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। ओटीपी आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा है इंटर ओटीपी एयर, आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। फ्रेंड्स, फिर आप नीचे आएंगे तो आप देखते हैं न्यू मोबाइल नंबर अपडेट सक्सेसफुली। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप
अपना जो भी गैस कनेक्शन है उसमें अपना केवाईसी करके अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। चाहे आपका मोबाइल नंबर पहले से लिंक है या फिर आप पहली बार अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के द्वारा आपका मोबाइल नंबर 100% लिंक हो जाएगा। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखे होंगे लेकिन उन सब में प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है ये एकदम यूनिक प्रोसेस है और इसके द्वारा आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा।